इंडिपेंडेंस डे जिस दिन एक साइड से हमारा देश बहुत खुशी में थे, ठीक दूसरे साइड में इतना ही गम में थे, क्योंकि उस दिन हमारा देश दो हिस्सों में बट गया था, पाकिस्तान और इंडिया नाम्स। लेकिन ये पार्टीशन क्यों हुआ था, उसका पीछे रीजन क्या है, चलिए जानते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में। Between August 1947 and March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs are forced to migrate from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. देश पार्टीशन हुआ था 14 अगस्त 1947 में इंडिया और पाकिस्तान नाम से, लेकिन उसका जो डिसीजन था वो ले चुका था कुछ मंथ पहले। जैसे कि 18 जुलाई 1947 में किंग ऑफ ब्रिटेन ने पार्टीशन का प्लान अप्रूव किया था, जब इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को रिसीव किया था। उस वक्त 18 जुलाई से पहले यानी 5 जुलाई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया था, लेकिन उससे पहले 3 जुलाई 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन करने का डिसीजन रेडियो में अनाउंस किया था। इसे माउंटबेटन प्लान कहा जाता था। My first course in all my discussions was therefore to urge the political leaders to accept unreservedly the cabinet mission plan of May the 16th, 1946. To my great regret, it has been impossible to obtain agreement to live against their will under a government in which another community has a majority, and the only alternative to coercion is partition. कांग्रेस के बहुत सारे लीडर जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था पार्टीशन को, लेकिन कांग्रेस का दो फेमस लीडर जो महात्मा गांधी एंड खान अब्दुल गफूर खान ने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि इन दोनों चाहते थे कि देश बंटवारा ना हो, जैसे थे वन नेशन रहे। तो उससे पहले 1 अप्रैल 1947 महात्मा गांधी माउंटबेटन के पास चले गए थे पार्टीशन को रुकने के लिए, क्योंकि गांधी जी चाहते थे पार्टीशन ना हो। गांधी जी इतना चाहते थे कि पार्टीशन ना हो, सब एक साथ रहे, इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर का जो पोजीशन है वो मोहम्मद जिन्ना को देने के लिए रेडी थे। ऐसे दो बार रिक्वेस्ट किया था, लेकिन जिन्ना ने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। मोहम्मद जिन्ना कहते थे, आजाद भारत को लेकर मिस्टर गांधी का जो विचार है वह हमसे अलग है, बुनियादी तौर पर अलग है। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं क्योंकि ये जो पार्टीशन हुआ है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान को भी एक साथ रह नहीं सकते हैं, क्योंकि इन दोनों धर्म का जो कल्चर है डेनाइट डिफरेंस है, तो ये लोग ये भी मानते थे। हिस्ट्री में जो भी मुस्लिम राजा था इन सारे बहुत बुरे थे, और जो हिंदू राजा था वो सारे अच्छे थे, और ये भी मानते थे कि हिस्ट्री में जितना भी लड़ाइयाँ हुआ है, वार हुआ है राजा और महाराजा के बीच में, ये सारे धर्म के बेसिक में लड़ाई हुआ है। लेकिन सच ऐसा नहीं है दोस्तों। तो हिस्ट्री में राजा एंड महाराजा के बीच में जितना भी सारे लड़ाई हुए थे पावर के लिए हुआ था, ये धर्म के बेसिक में नहीं हुआ था। इन सारे चीज़ को प्रूफ करने के लिए हज़ारों एविडेंस मौजूद हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वार देखने मिला है, क्योंकि क्या हुआ था, मुस्लिम एंड मुस्लिम के अगेंस्ट हुआ था हमारे इंडियन हिस्ट्री में। जैसे कि बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, तो इन दोनों मुसलमान थे, तो यहाँ पर धर्म के बेसिक में वार नहीं हुआ, सत्ता के लिए हुआ था। ऐसे 1790 में बैटल ऑफ पठान जो मराठा एंड राजपूतों के बीच में हुआ था, 1576 में जो बैटल ऑफ हल्दीघाटी वार हुआ था जो मुगल और राजपूतों के बीच में हुआ था, लेकिन आप ऊपर ऊपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हाँ ये धर्म के बेसिक में लड़ाई हुआ था, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है, क्योंकि बादशाह अकबर का जो आर्मी जनरल था वो था एक हिंदू जिसके नाम था राजा मानसिंह, और उसके ऑपोजिशन में जो महाराणा प्रताप जो था उसका जो आर्मी जनरल था वो एक मुस्लिम था, हकीम खान सूरी जिसके नाम था, और ये सात सूरी का वंशधर था। तो यहाँ पर क्लियरली आपको समझ में आया ना, क्योंकि ये जो वार होता था वो धर्म के बेसिक में नहीं, ये होता था पावर के बेसिक में। अकबर, शाहजहां एंड जहांगीर की टाइम में सिर्फ ईद को मनाया नहीं जाता था, होली भी मनाया जाता था उसकी कोर्ट में, और इन्होंने यह होली को ईद गुलाबी कह के पुकारता था, और कोई भी जाके यहाँ पर होली खेल सकते थे रेड फोर्ट की एक साइड में, एंड दिवाली को इन्होंने जश्न छरंगा कह के पुकारता था। तो एक दिन ऐसा भी हुआ था जिस दिन मुहर्रम था उस दिन होली का दिन हुआ था, तो इस दिन हिंदुओं ने क्या किया, होली रुक लिया था, क्योंकि उस दिन मुहर्रम था, एक सैड दिन था, इसलिए होली नहीं मनाने वाले थे। लेकिन अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने क्या किया, ये बात उसको पता चला बाद में, वो खुद जाके क्या किया, होली मनाना स्टार्ट किया। तो इन सारे एविडेंस में हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो हिंदू और मुसलमान जो दो रिलीजन हैं एक साथ रह सकते हैं और हिस्ट्री में ऐसे रहे भी। तो अभी फिर हम टॉपिक पे आते हैं। तो साल 1885 में मिस्टर एओ हिम के थ्रू क्या एक पार्टी बना था, जिस पार्टी का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बाद में धीरे धीरे क्या हुआ था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था और धीरे धीरे बहुत रेंज बढ़े एंड पावरफुल बने।
तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत हेल्प किया जब इंडियन जो पीपुल थे इन सब को एक साथ मिलाने के लिए। तो उस वक्त ब्रिटिश समझ चुका था क्योंकि इंडिया में रहना बहुत मुश्किल हो सकते हैं सामने जाके, तो इसलिए ब्रिटिश ने सोचा कि ये डिवाइडेड रूल पॉलिसी स्टार्ट किया जाए क्योंकि इंडिया जो नॉर्मल इक्वल पीपुल है उन सारे में दरारें स्टार्ट किया जाए। तो ब्रिटिश ने मुस्लिम लोगों को समझाया कि मुस्लिम खतरा में, जैसे आप भी सुनते हो कि हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरा में ब्रिटिश ने उसको समझाया था। तो बाद में ऐसा क्या हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग का स्टार्ट हुआ था। तो मुस्लिम लीग का स्टार्ट होने के बाद मुस्लिम लोगों के लिए कुछ सारे अपॉर्चुनिटी दिया था उन लोगों ने, मतलब डिवाइडेड पॉलिसी स्टार्ट कर लिया था। तो उससे कुछ ईयर बाद 1925 में केशव बलिराम की मदद से क्या हुआ था, एक हिंदू संगठन बने जिसका नाम था RSS। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइडेड पॉलिसी स्टार्ट किया था ब्रिटिश ने क्योंकि इंडिया का जो बहुत सारे ज़्यादा कल्चर हैं जो इक्वलिटी जो है उसको डिवाइडेड करें, तो ऐसा कामयाब भी हुए। तो फाइनली ऐसा करके जब हमारा इंडिपेंडेंस का टाइम आया था 14 अगस्त 1947 में, इंडिया और पाकिस्तान दो हिस्से में बांट गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट्स फाइनल डिसीजन एज टू हाउ पावर वाज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन हैंड्स विद रिजर्वेशंस ऑफ कोर्स द प्लान हैज हैड अ गुड रिसेप्शन फ्रॉम नेहरू फॉर द हिंदूज, फ्रॉम जिन्ना फॉर द मुस्लिम्स एंड फ्रॉम सरदार बलदेव सिंह फॉर द सिख्स। तो उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना के लिए क्या था, ये पाकिस्तान एंड महात्मा गांधी के लिए हिंदुस्तान था। उस वक्त सबको कहा गया है कि जो मुसलमान है पाकिस्तान जा सकते हैं और जो गांधी का जो लैंड है वहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों रह सकते हैं। तो उस वक्त क्या किया था, जो मुसलमान धर्म को सिलेक्ट किया और पाकिस्तान चला गया, जो लेकिन जो मुस्लिम क्या किया था अपना देश को सिलेक्ट किया था, उस वक्त अपना रिलीजन को नहीं चुना या अपना देश को चुना है, वो अपना हिंदुस्तान पे यानी इंडिया पे रह गए थे। कभी कभी सुनने में यह भी मिलते हैं कभी इंडिया का जो मुसलमान होता है उसे उल्टा सीधा कुछ कहने से उसको पाकिस्तानी कह देते हैं कुछ सारे लोग। यह बहुत बड़े दुख की बात है क्योंकि अगर चाहता था इंडियन मुसलमान तो उस वक्त पाकिस्तान को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना धर्म नहीं देखे, उस वक्त अपना देश देखे थे इसलिए अपना इंडिया को सिलेक्ट किया था। तो इसलिए अभी भी इंडिया में मुसलमान हैं, पाकिस्तान में भी है, लेकिन फ़र्क है। तो अभी सवाल यही आता है कि दोस्तों ये जो हमारा इंडिया था ये पार्टीशन हुआ पाकिस्तान और इंडिया नाम से, तो क्या हम क्या कर सकते हैं, एक दिन ऐसा भी दिन आ सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान सब एक साथ मिल जाए। तो ऐसा सोच है जो कहते हैं अखंड भारत, और ये होना भी पॉसिबल है जो मैं इसके बारे में अलग एक वीडियो में मैं बात करूँगा। तो आई थिंक आपका समझ में आ गया कि हमारा इंडिया कैसे डिवाइडेड हुआ था दो देश में, इंडिया और पाकिस्तान नाम से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट, बाय।